नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही स्वादिष्ट डिजर्ट लेकर आई हूँ, हरे चने का, हरे छोलिया भी बोला जाता है, हलवा, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इस होली आप अपने मेहमानों को परोसेंगे ये इतना स्वादिष्ट हलवा हरे चने का, तो मेहमान खाते हुए बोलेंगे कि वाह, कितनी यूनिक और स्वादिष्ट रेसिपी मैंने पहले नहीं खाया। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि ये चने का, हरे चने का हलवा फटाफट कैसे बनते हैं, बिल्कुल शाही अंदाज में। ये शाही हरे चने का हलवा है, शाही मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा इसे मैंने शाही क्यों बोला है। तो चलिए मेरे साथ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ शाही अंदाज में हरे चने का हलवा कैसे बनते हैं फटाफट। तो चलिए मेरे साथ अभिलाषा किचन। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हरे चने का हलवा कैसे बनता है। इसे हरा छोलिया भी बोला जाता है, देख रहे हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, धो कर ले लिया। ये एक कटोरी है, यहाँ पे 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, ये शुद्ध गाय का घी है। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी चम्मच ये चीनी लिया है सेम कटोरी से। तो मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जैसे किशमिश, काजू, बादाम, नारियल। आपको और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना हो तो कर सकते हैं, आप कर मन पे है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप, उसी कटोरी से 2 कटोरी दूध है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। मैंने गैस पर एक पैन ले लिया है, चढ़ा दिया, गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं घी डालूँगी। और जब तक घी मेरा गर्म होगा तब तक मैं हरे चने को मिक्सी कर लेती हूँ अच्छे से। तो देखिए मिक्सी जार में मैंने डाल दिया, इसे बंद कर लेती हूँ और मिक्सी कर लेती हूँ। तो देखिए कितना बारीक मेरा चना पीस चुका है मिक्सी जार में। इसमें ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा ना डालें, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा उसको भूनना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जो घी डाला था पैन में गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं जो पीसा हुआ चना है उसे डाल दूँगी, हरा चना। तो देखिए पूरा चना को मैं डाल दिया, ऐसे लगातार चलाते हुए मैं भूनूंगी जब तक अच्छे से ये चना भुना नहीं जाता, बिल्कुल सोनी खुशबू नहीं आने लगती। तब तक मैं इसे भूनूंगी, गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूंगी और लगातार चलाते हुए इसे भूनती रहूंगी इस तरह से। तो देखिए इसे भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुका है, कितने अच्छे से भुना चुका है, ड्राई हो चुका है, देख रहे हैं। घी भी सेपरेट हो रहा है, देख रहे हैं। इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी चीनी जो मैंने लिया था आधा कटोरी, उसे मिला दूंगी। और मिलाने के बाद साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें जो मैंने 2 कटोरी दूध लिया था यहाँ पे, इसे मैं डाल दूंगी। देखिए दूध डाल देती हूँ इस तरह से और इसे लगातार मिलाते हुए चलाऊंगी। ऐसे दूध जब तक पूरा मेरा सूख नहीं जाता तब तक इसे पकाऊंगी इसे मिलाते हुए। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा हलवा, चने का हलवा। इस तरह से चलाते हुए मैं पकाऊंगी, गैस को हाई फ्लेम कर देती हूँ, एक उबाल आने दूंगी, इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम कर दूंगी। देखिए कितने अच्छे से दूध सूख चुका है, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए इस तरह से लगातार चलाते हुए। अभी 5 मिनट और, 5 से 7 मिनट अभी और लगेंगे पूरी तरह से तैयार होने में। तो टोटल इसमें 20 से 25 मिनट टाइम लगता है पकाने में। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है चने का हलवा। और चना, हरा चना तो बहुत ही फायदेमंद होता है। मैंने इसे चीनी में बनाया, आप चाहे तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं, इस तरह का आपको पसंद हो खाना। देखिए लगातार चलाते हुए मैं पका रही हूँ, गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। देखिए लगभग मेरे चने का हलवा तैयार है, हरे चने का। तो इसमें मैं ऊपर से डाल रही हूँ घी, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल शाही अंदाज में हरे चने का हलवा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऊपर से घी डालने पे आता है, मैंने स्टार्टिंग में भी डाला है। इसमें कुछ जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे थे वो डाल दूँगी, देख रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में, इसे मैं मिला देती हूँ। 2 मिनट तक और मैं भूनूंगी, उसके बाद गैस को ऑफ कर दूँगी और सर्व करूँगी इस तरह से मिलाते हुए मैं, ताकि घी अच्छे से इसमें मिल जाए। गैस को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है।
देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया है, ठंडा होगा अच्छे से। अब ये होगा, मैं गैस को बंद कर देती हूँ और चलिए मैं सर्व करती हूँ। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और चलिए इसे मैं सर्व करती हूँ। इसे तो देखिए कितने अच्छे से मेरा हरा चना, जिसे हरा छोलिया भी बोला जाता है, हलवा बनकर तैयार हो गया है इंस्टेंट, बहुत ही स्वादिष्ट। तो इस तरह का आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही आपको पसंद आएगा इस तरह का हलवा। तो इस होली आप इस डिजर्ट को बनाकर अपने घर पर जो मेहमान आए उन्हें खिलाइए, वो बोलेंगे कि वाह मेरे लिए यूनिक और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इतना स्वादिष्ट लगता है हरे चने का हलवा। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।